नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के प्रदूषण देखते हैं, उन्हीं में से एक है समुद्री प्रदूषण। आज हम जानेंगे कि समुद्री प्रदूषण क्या है और यह कैसे होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, समुद्री प्रदूषण 70% से समुद्री प्रदूषण पृथ्वी पर होने वाले मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। समुद्री प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं तेल का रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, जल मल, कृषि कार्य, समुद्र तटीय प्रदूषण, कृषि उद्योग, शहरी गतिविधियां आदि। नदियां दूर दूर से प्रदूषकों को समुद्र तक ले आती हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र तटीय गतिविधियों से भी प्रदूषण फैलता है। समुद्री मार्ग के रास्ते बड़े बड़े मालवाहक जहाज तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों की धुलाई का काम करते हैं। रास्ते में दुर्घटना, रिसाव आदि का होना आम बात है। दुर्घटनाओं से होने वाले तेल रिसाव, तेल शोधक संयंत्रों के बहाव, पाइपलाइनों के रिसाव, समुद्र के बीच उत्पादन प्लेटफॉर्म, जहाज़ों की धुलाई आदि का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व भर में घटता मछली संग्रह समुद्री प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है। पर्यटन उद्योग, जो स्वयं समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, प्रदूषित समुद्र तट, विकृत मूंगे की चट्टानों तथा अन्य प्रकार से दूषित तटीय जल से प्रभावित हुआ है। मूंगे की चट्टानें विश्व की सर्वाधिक विविध और जैविक रूप से उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। ये चट्टानें तरह तरह की मछलियों एवं कवच प्राणियों को आकृष्ट करती हैं। इससे स्थानीय लोगों को मत्स्याखेट में मदद मिलती है, पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन मूंगे की चट्टानें भी प्रदूषण से प्रभावित हो रही हैं। इनके आसपास के पानी के बढ़ते तापमान से इनका रंग उड़ने लगा है। तलछट से ढक जाने के कारण ये नष्ट होने लगी हैं। तलछट की अधिकता के कारण प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक रोशनी भी शैवाल तक नहीं पहुंचती है। जल में अत्यधिक सीवेज के मिलने से सूक्ष्म शैवालों तथा अन्य जलीय वनस्पतियों की भारी वृद्धि होती है। इससे मूंगे की चट्टानें ढक जाती हैं और इसमें रह रहे जंतुओं को कम ऑक्सीजन मिलती है। परिणाम स्वरूप चट्टानें भुरभुरी होकर नष्ट होने लगती हैं। तो आज दोस्तों हमने जाना समुद्री प्रदूषण के क्या कारण हैं और कैसे समुद्री प्रदूषण फैलता है। ऐसी ही न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।